रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत अंदाजे से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और तेजी से पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस रफ्तार को कायम रखने के लिए महंगाई को काबू में रखने की जरूरत है। आरबीआई ने दिसंबर के बुलेटिन में मईशत की सूरत हाल पर कहा, हिंदुस्तानी मईशत कोरोना की गहरी खाई से बाहर निकल रही है और एक ऐसी रफ्तार का सबूत मिलता है जो ज्यादातर तखमीनों को पूरा करती है। बुलेटिन के मुताबिक नवंबर 2020 में काश्तकारी और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में तेजी के सबब माशी हालत में बेहतरी आ रही है। शेयर सूद दहाइयों में सबसे आसान सतह पर है। मुश्किल हालात के बावजूद तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से जहद मुसलसल हिंदुस्तान को तेज तरक्की की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि मईशत में बेहतरी आने वाली तेजी को कायम रखने के लिए महंगाई को काबू में रखने का मंसूबा किए जाने की जरूरत है। बुलेटिन में कहा गया है कि नवंबर के आखिर में कौमी शुमारियात के दफ्तर की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक पहली सैमाही में कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए किए गए मंसूबों की दूसरी सैमाही में बहुत कम असर नजर आया और मईशत ज्यादातर अंदाजों के बरअक्स तेज रफ्तार से पटरी पर लौट रही है। आरबीआई ने कहा कि तीसरी सैमाही में हिंदुस्तानी मईशत कोविड-19 के असर से आजाद हो सकती है और माशी इजाफा 0.1% रहने का इम्कान है। आरबीआई ने रवा महीने के अपने मॉनेटरी पॉलिसी में भी कहा था कि अक्टूबर में उसने मईशत के हवाले जो तखमीना पेश किया था, इससे 200 बुनियादी पॉइंट्स ज्यादा की बेहतरी नजर आ सकती है।